दिन पूरा होने के बाद तीज माता की पूजा की जाती है और उसके बाद पति अपनी पत्नी को अपने हाथों से सत्तू खिलाकर उनका व्रत खुलवाते हैं। इस तरह ये व्रत पूरा होता है। वाह, फिर तो जगदीश को भी यहाँ आकर मेरा व्रत खुलवाना चाहिए, है ना? लो, आ गई डिमांड। वो जरूर आता अगर तुम दोनों का ब्याह हो गया होता। जिन लड़कियों का ब्याह नहीं हुआ होता है उन्हें अपनी माँ या फिर अपनी भाभी के हाथों ये व्रत खोलना होता है। ओ नो। इसे कहते हैं अरमानों पे पानी फिरना, वो भी ठंडा। नो दद्दू, मेरे अरमानों पर पानी कोई नहीं फेर सकता। रस्म तो वैसे ही निभेगी जैसे मैं चाहती हूँ, भले ही थोड़ी सी बदलनी पड़े। हाँ साची। जगदीश, आज आपको रोज से कुछ अलग लग रहा है क्या? अलग? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है आज। लेकिन ये बात तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आपको ये फीलिंग्स मेरी वजह से हो रही है जगदीश। आई एम द रीजन ऑफ योर हैप्पीनेस। मतलब? मतलब ये कि मैंने आज आपके लिए तीज का व्रत रखा है। लेकिन क्यों साची, अब तक हमारी शादी नहीं हुई है, तो फिर ये व्रत? लेकिन होने वाली तो है ना, और मेरा मन किया कि मैं आपके लिए व्रत रखूं, तो मैंने रख लिया, और अब आपको मुझे इसके लिए रिवॉर्ड देना होगा। रिवॉर्ड? कैसे, कुछ चाहिए तुम्हें? जगदीश, मैं चाहती हूँ कि आज शाम को आप यहाँ आकर अपने हाथों से मेरा व्रत खुलवाएं, ठीक उसी तरह से जैसे शिव भैया आनंदी भाभी का खुलवाने वाले हैं। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बोलिए, आप देंगे ना मुझे रिवॉर्ड? साची, मेरा आज वहां ना पॉसिबल नहीं है। मैं मुझे पता था जगदीश कि आप मुझे कौन कौन से एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, इसलिए आज मेरे पास आपके हर एक्सक्यूज का जवाब है। जैसे अगर आप कहेंगे कि आज आप बहुत बिजी हैं, पेशेंट्स की लाइन है, सॉल्यूशन, आपके हॉस्पिटल में और भी तो डॉक्टर्स होंगे ना, आज पेशेंट्स को वो देख लेंगे। और अगर आप कहेंगे कि साची मैं शाम तक बहुत थक जाऊंगा, ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कहूंगी कि आज आप एक ड्राइवर हायर कर लीजिए या फिर प्राइवेट टैक्सी करके आ जाइए। और अगर आप ये कहेंगे कि मुझे घर पे पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, तो भी नो प्रॉब्लम, मैं आपके बिहाफ पर माँ से पूछ करके परमिशन ले लूंगी। ओके? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आज आपका कोई भी बहाना नहीं चलने वाला। आज तो आप मेरे चंगुल से बच ही नहीं सकते जगदीश। तो बताइए कब आने वाले हैं आप यहाँ? साची, मैं आज वहां नहीं आ पाऊंगा, मैं मैंगलोर में हूं। मैंगलोर? आप मैंगलोर में क्या कर रहे हैं जगदीश? मैं गंगा की मदद करने के लिए आया हूं, जो पहले नहीं आ पाया था। लेकिन आप मुझे बताए बिना कैसे जा सकते हैं जगदीश? मैं आपकी होने वाली पत्नी हूँ और मुझे पूरा हक बनता है जानने का कि मेरा पति किसी दूसरी औरत से मिलने के लिए कब, कहां और क्यों जा रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? बात इतनी मुश्किल नहीं है जगदीश कि आपको समझ में ना आए, लेकिन आप फिर भी सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि गंगा के साथ आपका क्या रिश्ता है, आपका कोई अफेयर है उससे या फिर कोई और चक्कर चल रहा है? साची! साची, समझने की कोशिश करो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। गंगा के लिए मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें निभाने की कोशिश कर रहा हूं। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके थे, अब इसके अलावा मेरे पास बात करने के लिए और कुछ नहीं है। और इस वक्त मैं तुम्हें कितना भी समझाऊं तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। हम बाद में बात करते हैं।
अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। जब मैं इस उम्र में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकती हूँ तो आप क्यों ना कर सको। यस, गंगा इज राइट। जगदीश वो कहते हैं ना कि इंसान के सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वो कभी भी पढ़ लिख सकता है। तुझे इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए जगदीश। ओके, मैं इस बारे में सोचूंगा। ये हुई ना बात। ये क्यों डॉक्टर साहब? तीज का तोहफा समझ लो। खोल कर तो देखो। मैं तीज पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। चांद तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बहुत भूख लगी होगी ना तुम्हें। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? टिपिकल कर्नाटक खाना खाने के लिए आए। दूसरी बात क्या समझ में नहीं? इसमें सब कुछ कन्नड़ भाषा में लिखा है। कुछ समझ में ना आएगा तो कहेंगे कैसे कि क्या मंगवाना है। ये तो हम दोनों के लिए तुम्हें ऑर्डर कर दो। भाई जी, प्याज की कचौरी और दाल का चूरमा ले। ये अंत हेड रही हूँ। तू मसाला डोसा। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे ज्यादा इसी बात की घबराहट हो गई। इन लोगों की भाषा ही ना समझ में आवे मारे। उस दिन मैं रसोई का सामान लाने पास के हाट में चली गई थी। उस दुकानदार को मैं कुछ भी ना बता पाई। सब कुछ इशारे से बताना पड़ा कि भाई जी ये दे दो वो दे दो, फिर भी दो तीन चीजें गलत ही लाई। ना उनकी भाषा हमारे पल्ले पड़ी, हमारी भाषा उनके। तुम एक काम करो, एक लाइन याद कर लो, उसके बाद तुम्हारी जो भाषा की दिक्कतें हैं सब खत्म हो जाएंगी। कौन सी लाइन डॉक्टर साहब? एक मिनट। नानु कन्नड़ा गोतिल्ला। मतलब? इसका मतलब यह है कि मुझे कन्नड़ नहीं आती। अब जब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हें कन्नड़ नहीं आती है तो तुमसे हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे, राइट? और थोड़ी बहुत हिंदी यहाँ सब जानते हैं। क्या कहा आपने डॉक्टर साहब? नानू कन्नड़ा गोतिला। नानू कन्नड़ गोतिला। ನಾನು ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಫಿ ಲಾ? ಹಾ ಹಾ, ಕಾಫಿ ಲೇ ಆಯಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹಿಬ್, ಇದು ಬಹುತ್ ಕಾಮ್ ಕಿ ಲೈನ್ ಸಿಖಾಯಿ ಆಪ್ನೆ.